नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ हामिद सैफी। बुलंदशहर के खुर्जा में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर पुलिस के सामने ही दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। घटना का वीडियो किसी व्यक्ति द्वारा बनाया गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो खुर्जा के मुंडाखेड़े चौराहे का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल रहे हैं। वहीं एक व्यक्ति पीड़ित पक्ष को ईंट मारता भी नजर आ रहा है। इस घटना में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें पुलिस ने मेडिकल के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने घटना में शामिल करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। पीड़ित का आरोप है कि पूरी घटना पुलिस के सामने की है, पुलिस की मिलीभगत से ही आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया है। वहीं पीड़ित ने बताया कि आरोपी पक्ष पहले से ही लाठी डंडे लेकर तैयारी से आया था, जिन्होंने फायरिंग भी की है और पुलिस की देखरेख में ही ये सब किया गया है। घटना के संबंध में जैसी जानकारी मिली है अभी तक, मुंडाखेड़ा चौराहे के पास में एक दुकान है, वहाँ दुकान के मालिक और दुकान का जो किराएदार है उनके बीच में कुछ विवाद हुआ था। खास होने के बाद में हाथापाई होने लगी और जैसा कि बताया गया कि लाठी डंडे का प्रयोग भी संभवतः उन्होंने किया मारपीट में। समीप ही कुछ दूरी पर पुलिस की पिकेट रहती है, चेकिंग होती है, पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप किया। जैसे ही झगड़ा दुकान से लगा कि बढ़ सकता है और दोनों पक्षों के कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। तो वहीं घटनास्थल पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी खुर्जा सुरेश कुमार की माने तो दुकान मालिक और किराएदार के बीच दुकान खाली करने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। फिलहाल पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। वहीं कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। सुरेश कुमार ने बताया कि फायरिंग की अफवाह गलत फैल रही है। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और शांति व्यवस्था कायम है। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।